हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जावा में मैं दो नंबर का सम का प्रोग्राम कैसे बनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में न्यू प्रोजेक्ट, आफ्टर दैट जावा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। और यहां पर मैं जो अपने प्रोजेक्ट का नाम है वो मैं रख देता हूँ सम। इन सब चीजों को मैं हटा देता हूं। अब मैं इसमें बनाता हूं क्लास, और क्लास का नाम वही रहेगा जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है। तो क्लास सम। अब इसके अंदर हमें मेन फंक्शन बनाना है, तो मेन फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, जो कि इसका कमांड लाइन आर्गुमेंट है। इसके बाद में अब हमें अगर दो नंबर का सम करना है तो हमें तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें उन दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी जिसका हमें सम करना है, और उन दोनों का सम स्टोर करने के लिए हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, a, b, जिनके सम को मैं टोटल में सेव कर दूंगा। ओके, इंट इनका डाटा टाइप है, इंट एक डाटा टाइप है, ठीक है। डाटा टाइप अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको डाटा टाइप एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए देख लीजिए कि इंटीजर एक डाटा टाइप है, ठीक है। तो जावा में इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो मैंने ए बी और टोटल इनके लिए 4-4 बाइट मेमोरी में रिजर्व कर दी। अब मैंने ए में वैल्यू डाली 10, बी में वैल्यू डाली 20, और इनका सम मैंने स्टोर कर दिया टोटल में। अब मैं इनके सम को डिस्प्ले कर दूंगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी हम किसी वेरिएबल को अपेंड करेंगे स्ट्रिंग के साथ में तो वो प्लस साइन से अपेंड होगी, ना कि कॉमा साइन से अपेंड होगी। ऑल लैंग्वेजेस में हम कॉमा साइन यूज करते हैं, लेकिन जावा में हम प्लस के सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू टोट। अब देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 30। हम यहाँ प्रिंट की जगह प्रिंट एलन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले बार आपको बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब रन करके देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 30। दोस्तों इसमें मैंने ए और बी में यहीं पर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। जावा में इनपुट लेने के लिए, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए आपको स्ट्रीम्स का यूज करना पड़ता है, तो मैं स्ट्रीम्स अपने फर्दर ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैंने सम के दो नंबर्स का सम करने के लिए वेरिएबल्स में यही वैल्यू डिक्लेयर करके और उनका सम करके दिखा दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कीबोर्ड से इनपुट लेने की, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए जावा में स्ट्रीम्स का यूज करना पड़ता है, जो मैं आपको फर्दर ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching.